नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। ज्येष्ठ आवश्यक दिन चुपचाप यहाँ रख देना, एक रुपए का सिक्का, जीवन के कष्टों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन में आपके होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप तुरंत करोड़पति। हिंदू पंचांग के अनुसार 6 जून 2024 दिन गुरुवार के दिन ज्येष्ठ अमावस्या पड़ने जा रही है और इसी दिन शनि जयंती भी पड़ रही है। हिंदू धर्म में पूरे साल में एक ऐसा ये ज्येष्ठ का महीना ही दिन होता है जिस दिन आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान शनि देव का आशीर्वाद एक साथ मिल सकता है। अमावस्या के दिन अगर आप माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करते हैं तो ये सबसे सुनहरा मौका होता है, जब तुरंत ही माता लक्ष्मी आपको आशीर्वाद और वरदान देती हैं। शनि जयंती के दिन अगर कोई भी व्यक्ति शनि महाराज जी के एक रुपए के सिक्के से उपाय कर ले तो आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में मान के चलिए आपको 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि दोष है, शनि की दशा है, महादशा है, मंगल दोष है, किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य से आप परेशान थे, हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, ज्येष्ठ अमावस्या जिस दिन पड़ता है उस दिन शनि जयंती भी पड़ती है और इस बार 6 जून दिन गुरुवार को पड़ रही है। ये सिर्फ एक ऐसा दिन होता है जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव का आशीर्वाद साथ में मिल सकता है। आप लोगों ने ये बात देखी भी होगी कि पूरे दुनिया में जितने भी ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर पंडित तांत्रिक होते हैं वो पूरे साल सिर्फ ज्येष्ठ अमावस्या का इंतजार करते हैं, क्योंकि ज्येष्ठ अमावस्या की रात की गई पूजा कभी भी खाली नहीं जाती, इसका पलट करके लाभ मिलता ही मिलता है। और वेद पुराणों में भी बताया गया कि अगर हम ज्येष्ठ अमावस्या की रात एक रुपये के सिक्के का महा उपाय कर लें जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं तो वो कभी भी खाली नहीं जाता। दोस्तों आप बार बार ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर एक रुपए के सिक्के का महा उपाय क्यों करना है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब पुराने समय में जो पुरानी मुद्राएं चलती थी और उस वक्त पूजा पाठ होता था उसमें सबसे पहले मुद्रा से पूजा पाठ की शुरुआत होती थी। आज के यानी युग में, चूंकि मॉडल युग है, तो अगर देखा जाए तो जब भी कोई त्यौहार होता है, कोई मांगलिक कार्य होता है, उसमें जब भी पूजा पाठ की शुरुआत होती है तो एक रुपए के सिक्के से ही शुरुआत होती है, वरना वो पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी की पूजा में भी अगर एक रुपए के सिक्के का और हल्दी का इस्तेमाल ना किया जाए तो वह पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। आखिर एक रुपए के सिक्के का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि कभी हम पूजा पाठ की शुरुआत करते हैं तो उसमें एक रुपए के सिक्के को इसलिए शुरुआत किया जाता है ताकि जिस पूजा को हम शुरू कर रहे हैं वह पूजा अंत तक संपन्न हो जाए एवं उसका लाभ हमें हमेशा मिलता रहे, हमेशा इसलिए एक रुपए के सिक्के का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं, वह अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं, साथ ही शनिदेव भी बरसाते हैं क्योंकि यह शनि जयंती भी मानी जाती है। और अगर आप इस दिन कोई भी उपाय कर ले माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद तो तुरंत मिलेगा और आपके जीवन से आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद आपके जीवन में कई अच्छे लाभ मिलेंगे, चारों दिशाओं से धन भी खींचा चला आएगा, इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। दोस्तों हम आपको ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करने के बाद आपको शनि महाराज जी के आशीर्वाद से मिल जाएगा अपार कृपा, जिससे आपके जीवन में हर प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी, साथ ही साथ आप शनि महाराज की कृपा भी मिलेगी। कहा जाता है कि दोस्तों शनिदेव का प्रभाव एक मनुष्य के जीवन में शनि ग्रह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। शनि जयंती के दिन की गई पूजा साधना उपाय करने से आपको शनि देव जी का वो आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद इस अमावस्या के बाद आप पूरे जीवन काल इसका लाभ उठाते रहते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक
अंत तक देखिएगा, और जितने भी आप यानी कि घर परिवार के सदस्य हैं, एक रुपए के सिक्के का ये महोपाय जरूर करें। हम आपको ये बताने जा रहे हैं, इन उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और अगर आप भी चाहते हैं भगवान शनिदेव माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिले, धन की बाढ़ सी हो जाए, आप करोड़पति बन जाएं, धनवान बन जाएं, हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाएं, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जय शनिदेव भी जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, अमावस्या ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन इस बार कई शुभ योग बन रहे हैं, इस बार यानी कि दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं, और चूंकि शनिदेव भी समय कुंभ राशि में विराजमान है, कई ग्रहों की युति के कारण यानी कई ग्रहों के राजयोग धनयोग के बनने का कारण दुर्लभ योग बन रहा है। तो इस दिन आप सबसे पहले तो माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें और शनिदेव की पूजा आराधना करें। माता लक्ष्मी को लाल पुष्प, लाल वस्त्र, लाल फल अर्पित करें पूजा पाठ में। शनिदेव को आप यानी कि उनकी प्रिय वस्त्र जैसे कि काले तिल, सरसों के तेल का दीपक चढ़ाएं, उन्हें तेल चढ़ाएं, साथ ही साथ काली उड़द चढ़ाएं। फिर आप इस दिन क्या करें, एक रुपये का सिक्का ले लें, एक रुपये के सिक्के को आप लाल कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी जी के चरणों के पास रख दें, और फिर आप ओम महालक्ष्मी इस मंत्र का जाप करें, और फिर इस एक रुपये के सिक्के को आप ले जाकर अपने धन पेटी के स्थान पर रख दें जहां पर तिजोरी आलमारी है। दोस्तों, आज के दिन रखा हुआ यह एक रुपये का सिक्का आपको जीवन पर्यंत धन देता रहेगा। जब तक यह सिक्का आपकी आलमारी पर रहेगा, तिजोरी पर रहेगा, तब तक आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। दोस्तों, इस दिन शनि जयंती भी है, तो शनि महाराज के चरणों के पास आप एक रुपये का सिक्का रख दें, और फिर इसे तेल से डुबो के, सरसों के तेल से डुबो कर इसे काले कपड़े में लपेट कर इसे अपने धन पेटी पर रख दें, तो तेजी से धन आता है आपके घर में। जो घर के यानी कि घर में किसी प्रकार की समस्या है धन को लेकर, वो सब दूर होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, अवश्य की रात्रि आप एक रुपये का सिक्का ले लें और आप एक दीपक जला लें। इस दीपक को आप, इस सिक्के को और एक इस दीपक को आप अपने घर के खुले आसमान के बाहर जाएं, यानी जैसे द्वार पर जा सकते हैं, आंगन पर जा सकते हैं, या फिर खिड़कियों के बाहर क्या करें कि आप वहीं पर एक दीपक जला दें खुले आसमान के पास। रात्रि में 12 बजे करना है, और फिर आप उस दीपक में इस एक रुपये के सिक्के को आप डाल दें, और उसके बाद जब दीपक बुझ जाए तो इस एक रुपये, अब इतना ध्यान रखना होगा कि जो चंद्रमा, चूंकि इस समय इस दिन दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन जो आकाश की रोशनी है इस सिक्के पर पड़ना चाहिए, तो इस जब दीपक बुझ जाए तो इस सिक्के को ले आकर आप अपने किसी लाल कपड़े में लपेट करके और इसे धन पेटी पे, तिजोरी पे रख दें, तो आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी, माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी। दोस्तों, इस दिन आप क्या करें, माता लक्ष्मी को आप 11 लाल पुष्प, एक रुपये का सिक्का, थोड़ी सी एक मुट्ठी धनिया आप भेंट करें, और फिर इसे आप बांधकर अपने धन पेटी पर रख दें, तो कभी भी धन की कमी नहीं होगी। शनिदेव को भी आप एक रुपये का सिक्के का उपाय करें इस दिन, क्योंकि शनिदेव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में है, तो जब शनिदेव की पूजा पाठ करने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, शनि महाराज को आप सरसों का तेल जरूर चढ़ाएं इस दिन, तो सरसों के तेल में एक रुपये का सिक्का डाल दें, और सरसों के तेल के साथ जब उन्हें चढ़ाएंगे थोड़े से काले तेल, थोड़े से काली उड़द ले लें, और फिर आप उनके चरणों में चढ़ा दें, और उसके बाद वहां से थोड़े से सरसों, थोड़े से काले उड़द उठाकर और इसे एक रुपये के सिक्के को उठाकर आप अपने घर में लेकर आए और धन पेटी के स्थान पर रख दें। दोस्तों, यकीन मानिए आपके घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये एक रुपये के सिक्के का उपाय करें दोस्तों, बहुत ही आपको संपन्न बना देगा। तो दोस्तों, वीडियो को आप अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी जय शनिदेव।